अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम द टीचर ऑफ सुप्रीम एजुकेशन स्कूल सिस्टम। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एट होम। यू नो वायरस इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो स्टूडेंट प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप क्लीन योर सेल्फ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लामियात सबक नंबर 10, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें, बुक रीडिंग पेज नंबर 34। आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे कि उनके हमने तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले पढ़ लिया ना कि वो कहाँ पैदा हुए, अरब के शहर मक्का में पैदा हुए, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और वो किन आदात और अखलाक के मालिक थे। आज हम उनकी प्यारी प्यारी बातें भी पढ़ेंगे। हमें यह तो पता चल गया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी थे और हम उनकी आखिरी उम्मत, और अब हम उनकी बातों के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस आदात के मालिक थे, किस अखलाक के मालिक थे और क्या प्यारी प्यारी थी उनकी। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बात करने से पहले सलाम करो। जी हाँ, बात करने से पहले सलाम करो। इसका मतलब है कि हम जब भी किसी से भी बात करें हमें सबसे पहले ख़ुद सलाम करना चाहिए। इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि दूसरा सलाम करे तो हम सलाम करें। हमें सबसे पहले ख़ुद सलाम करना चाहिए। झूठ से बचो, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिस मर्ज़ी जो मर्ज़ी हालात हों, जैसे मर्ज़ी हालात हों, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। गुस्सा ना करो, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए किसी भी बात पर, अपने छोटों पे, अपने बड़ों पे, किसी पे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। दाएं हाथ से खाओ, हमेशा हमें सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए, उल्टे हाथ से या बाएं हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए, ये गुनाह है। और दाएं हाथ से खाना खाने से सवाब मिलता है। हमेशा सच बात कहो, हमें हमेशा सच बात कहनी चाहिए, वही बात, झूठ से बचो और हमेशा सच बात कहो। चाहे हालात जैसे मर्जी हों, हम जिस मर्जी कंडीशन में हों, हमें हमेशा सच का साथ ही देना चाहिए। तो ये थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें। हमने इनके बारे में बुक रीडिंग की। अब हम अपने वर्कबुक के काम की तरफ मूव करेंगे। नाउ मूव टू द वर्कबुक पेज नंबर 5। यहाँ पे हम बाब नंबर 10, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें, इसका सवाल नंबर 1 इमला करेंगे। तो इमला के कुछ अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ है बात, बेलिफ बात ए बात। दूसरा है गुस्सा, गाइन स्वाद है स्वा गुस्सा। सलाम, सीन लाम अलिफ़ला सलाम मीम सलाम। चौथा है दाएं, दाल दा हमजा ये नुन गुन्ना दाएं। पांचवा है झूठ, जीम है कि बानी वाओ झूठे झूठ। ये हमारे कुछ इमला के अल्फाज थे। अब हम खाली जगह की तरफ मूव करेंगे। सवाल नंबर 2, अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। झूठ डैश बचो, झूठ से बचो। बात करने से पहले डैश करो, बात करने से पहले सलाम करो। गुस्सा डैश करो, गुस्सा ना करो। डैश हाथ से खाओ, दाएं हाथ से खाओ। हमेशा सच डैश, हमेशा सच बोलो। यह हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत भी थी और हमें इनको अपनाना भी चाहिए। वो झूठ नहीं बोलते थे, बात करने से पहले वो हमेशा सलाम करते थे, गुस्सा नहीं करते थे और दाएं हाथ से हमेशा खाना खाते थे और हमेशा हमेशा सच बोला करते थे। तो हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है दुरुस्त के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस लगाएं। दाएं हाथ से खाना खाओ, क्या ये बात दुरुस्त है बेटा? क्या हमें बाएं हाथ से खाना चाहिए या फिर दाएं हाथ से? दाएं हाथ से तो ये टिक है। हमेशा झूठ बोलो, क्या हमें हमेशा झूठ बोलना चाहिए? नहीं, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो हमेशा झूठ बोलो वाला क्रॉस। गुस्सा ना करो, क्या हमें गुस्सा करना चाहिए? नहीं ना, तो ये क्या है, गुस्सा ना करो टिक। लास्ट है बात करने से पहले सलाम करो, हमें बात करने से पहले सलाम करना चाहिए। जी हाँ दुरुस्त। तो बेटा आपका ये होमवर्क है कि आपने बुक रीडिंग पेज नंबर 34 और वर्कबुक पेज नंबर 5 को अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से इसको घर में काम करना है। आप अपने घर में नीट एंड क्लीन काम करें और हमें अपने पिक्चर व्हाट्सएप करते रहें। आई होप स्टूडेंट यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।